खाली पै जाती थी, मेरे पास चप्पल भी पहनने को नहीं रहते थे। पास की कितने नंबर्स में पास की थी वो भी बता दो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बट अभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, सर्दी खांसी हो गई है। तो मैं आज आप लोगों को अपने बचपन के बारे में बताने वाली हूँ, बचपन से लेके स्कूल टाइम तक के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत इससे मज़ा भी आएगा। और क्या बोलेंगे, मेरा तो बचपन बहुत ही दुखमय रहा है और आज भी दुखी है। वैसा कुछ नहीं है, लेकिन जितना कुछ भगवान दिए हैं बहुत बहुत है मेरे लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि बस आप लोगों को बताना चाहती हूँ अपने बचपन के बारे में, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना शुरू करती हूँ। तो मुझे तो ये भी याद नहीं है, मतलब पता नहीं है कि मेरा वाकई में मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है। बस स्कूल में जो सर्टिफिकेट बना है मुझे वो पता है, और मेरे माँ बाबा को भी मेरे मतलब डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है कि मेरा ओरिजिनल में कब डेट ऑफ बर्थ है। और स्कूल में तो जो बना है वो है मेरा 17 दिसंबर 1999 है। और मैं स्कूल भी नहीं जाती थी जब छोटी थी। उस टाइम मुझे कहीं ले लिया गया था जब मैं छोटी सी थी, और मेरे मम्मी पापा है जो कि भट्टा जाते थे काम करने के लिए, तो मुझे बाहर ले लिया गया था जब मैं 3-4 साल की रही होंगी। तो मुझे बाहर ले कितना की थी मुझे वो भी याद नहीं है, बस छोटी सी थी इतना पता है। तो लोग मुझे ले गए थे बाहर बच्चा खिलाने के लिए, मैं बच्चा खिलाती थी। अच्छा ही खासा घर था, वो लोग मुझे पहनने को भी देते थे, खाने को भी अच्छा देते थे, बट मुझसे बहुत सारा काम करवाते थे मुझे। और छोटी सी थी तो मैं मतलब मुझसे होता भी नहीं था उतना ज़्यादा अच्छा, लेकिन भी मैं खुद से कोशिश करते रहती थी अच्छा करने का। और बच्चा खिलाने में तो मैं एक्सपर्ट ही थी, मैं बच्चों को अच्छे से खिला लेती हूँ, उतना तो मैं अभी नहीं सकूँगी, बस उस टाइम सक जाती थी। तो उसके बाद मैं उधर से बहुत आना चाहती थी, बहुत रोती थी। उसके बाद में फिर मुझे पापा जाके लाए एक दिन, फिर मेरा डायरेक्ट 3 क्लास में एडमिशन करवा दिए सरकारी स्कूल में, क्योंकि उतना ये नहीं है हमें कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके। तो सरकारी स्कूल में वो भी 3 क्लास में एडमिशन करवा दिए। जब हम एडमिशन कराने के लिए गए हुए थे तो उस टाइम देखिए वहाँ पे बच्चा लोग था, तो मुझे मेरे ही एज का था, मतलब मेरे से थोड़ा बहुत कम के थे होंगे, तभी तो मैं उसे खिलाती थी। तो मैं जब एडमिशन कराने के लिए गए तो मुझे वहाँ पे काका गए भी से ये सब पूछा गया, तो मैं नॉर्मल थोड़ा बहुत बता दी। और तो फिर सर मुझे एडमिशन के लिए मान गए, और मेरा जो संगीता नाम है वो मेरा ये नाम भी नहीं था, मेरा नाम था, मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहती हूँ, तो जो भी नाम था उस नाम को छोड़िए, लेकिन जो भी अभी मेरा नाम है संगीता, वो उसे हेड सर ने रखा था जब मैं एडमिशन कराने के लिए गई हुई थी। तो सर बोले कि ये तेरा नाम ठीक नहीं है, इसलिए मैं तेरा नाम चेंज कर देता हूँ, बोल के सर मेरा नाम चेंज कर लिए और एडमिशन करा लिए। फिर मैं स्कूल भी जाती थी, और पता है मैं कैसे जाती थी, खाली पै जाती थी, मेरे पास चप्पल भी पहनने को नहीं रहते थे, और बैग भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे, बस स्कूल से जो ड्रेस मिलते थे मैं उसी को पहन के स्कूल जाती थी और खाली पै जाती थी, चाहे धूप हो, ठंडी हो, बरसात हो, कभी भी। और मुझे उस टाइम आदत भी पड़ गई थी, लोग मैं जब देखती थी चप्पल पहन के आते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते थे, मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं क्या बोलेंगे मेरा स्थिति ही वैसा था। इसलिए कितना भी गर्मी हो, रोड है कितना तप रहा होगा, लेकिन भी मैं खाली पैर ही जाती थी, और बैग भी नहीं थे ले जाने के लिए। तो मैं जो बोरा होता है जिसमें धान ऊन चावल वावल रखा जाता है, वैसा बोरा में अपना मतलब कॉपी बुक जो भी होता था वो सबको डाल के ले जाती थी। और ऐसे करते करते मैं अपने पढ़ाई किसी तरह करती रही। और मम्मी पापा तो बीच बीच में मेरे स्कूल टाइम में ही भट्टा चले जाते थे, तो मैं घर का काम भी संभालती थी और स्कूल भी जाती थी। मुझे तो क्या बोलें, खाना बनाने सब आता था, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं आता था जैसा तैसा बनाती थी। और हम भाई बहन थे, सबको खिलाते थे। और खाना बनाने के लिए गैस नहीं था, ना ही लकड़ी भी नहीं मिलता था, मैं इतनी छोटी छोटी लकड़ी को चुन चुन के लाती थी खाना बनाने के लिए, और उसे पका के फिर खाती भी थी। और
और एक बार की बात है, जब 8 क्लास में थे हम, उस टाइम मम्मी पापा भट्टा चले गए हुए थे, तो वो लोग टाइम टाइम पे हम लोग को पैसा भेजते थे सब्जी सब खरीदने के लिए, और चावल तो घर में जो धान उनका खेती होता था उसी से हम लोग कर लेते थे और खा लेते थे। उसके बाद में फिर मैं आप लोगों क्या बताऊँ, बस वैसे ही करके मैं खाना सब बनाती थी, कहीं से गोबर चुन के लाती थी, लकड़ी चुन के लाती थी, पत्ता चुन के लाती थी, उसी से खाना बनाती थी, वो खाती थी और स्कूल भी जाती थी, साथ में पढ़ाई लिखाई भी करती थी और साथ में बाहर का काम भी करती थी सारा, बस ऐसे ही। फिर मैं मतलब 2014 में मैट्रिक पास की, और पता है मैं आप लोगों को, मैं इस मेरे स्कूल में 2nd नंबर पर लाई हुई थी, 1st नंबर पर एक लड़का था, उसके बाद में 2nd नंबर पर मैं थी, और उससे पहले सर लोग मुझे, मेरा सबका मतलब एक सर थे जो कि मुझे कोई चीज़ के लिए सिलेक्ट किए थे जब मैं 9th क्लास में थी उस टाइम, लेकिन दूसरे सर ने मेरा शक्ल देख के मना कर दिया कि नहीं इससे नहीं हो पाएगा, ये उस लायक नहीं है, करके मुझे मना कर दिया था। उसके बाद में जब मैं मैट्रिक में अच्छे मार्क्स पास की, कितने नंबर्स में पास की थी वो भी बता दूँ, मेरे आए हुए थे 2014 में मैंने पास की थी तो उसमें आए हुए थे 80.6%, मतलब 80.6% आए हुए थे मेरा टोटल नंबर। और उस टाइम सर ने मुझे कहा कि नहीं तुम सच में बहुत अच्छी पढ़ने लिखने में हो, तभी इतना ज़्यादा नंबर ले पाई, ले आ पाई। और मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहती थी स्कूल टाइम से ही, मेरा सोचने समझने का मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था, लगता था कि मैं कब क्या करूँ, कब कुछ करूँ ताकि घर का स्थिति सुधार सकूँ, बस यही सब सोचती थी। और 2014 मैंने मैट्रिक पास कर ली, उसके बाद में फिर मैंने नया फिर कॉलेज में एडमिशन, कॉलेज नहीं गई थी मैंने, प्लस टू किया था वो भी अपना ज़िला में किया था, क्या उस टाइम गांव घर में नहीं थे, अभी तो हर एक प्रखंड प्रखंड पे भी बन गए हैं, लेकिन उस टाइम नहीं थे, तो मैं गई हुई थी और वो सभी की। तो ये सब मैं अपना हिस्ट्री आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो बस मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। तो आप लोगों को मेरा जीवनी कैसे लगा कमेंट बताइएगा। और मेरे पास कपड़े भी नहीं पहनने के रहते थे, मैं जैसे घर में सिर्फ 1 ही 2 सेट कपड़े होते थे जो कि फटे, पूरा फटे हुए रहते थे, लेकिन भी मैं उसी को पहनती थी। और जब जैसे कि स्कूल से आती थी और जैसे मेरे पास 2 ड्रेस स्कूल से मिले होते थे तो मैं उसे एक को घर के पास भी पहन कर आ जाती थी वैसे दिन भर, और दूसरे को फिर स्कूल पहन के जाती थी। बस ऐसे ही मेरा जीवन था बचपन में, बहुत याद करते हो तो बहुत बुरा लगता है, बट अभी भी वैसा ही है, लेकिन भगवान ने बहुत कुछ दिया है जैसा भी दिया है। तो मैं आज आप लोगों को इतने तक अपना हिस्ट्री बताती हूँ, तो बाय। और हाँ, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय।